नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में। आज हम दिखाएंगे जॉन डियर 5038D जो 38 HP का गाड़ी है, इसका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और जो PTO शाफ्ट होती है उसका एक छोटा सा बैरिंग कैसे रिप्लेस करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने गाड़ी को दो पार्ट में खोल रखा है, 8 इसमें नट लगे होते हैं जिससे ये दो पार्ट में जुड़े रहते हैं। तो इसको खोल करके हमने ये बाहर निकाल लिया है। तो ये फ्लाईव्हील होता है इंजन के साथ में, तो यही बैरिंग हमारा ओवर फॉल्स हो गया था जिसके वजह से इसमें से आवाज़ आ रही थी। तो इस बैरिंग को चेंज करने के लिए हमने गाड़ी को दो पार्ट कर लिया है और देख लेंगे प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट में कोई समस्या तो नहीं आ रही। तो अभी हम देखते हैं क्लच हाउजिंग को। ये है प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को अलग करने के लिए, ये एक क्लच टूल्स इसका नाम है। तो इसे हम आसानी से कस करके क्लच प्लेट को उसके फिंगर और सारे चीज़ निकाल सकते हैं, तो इसका भी आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने देख रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा ये चारों तरफ से प्रेशर प्लेट और क्लच डिस्क जिसमें रबड़ लगे होते हैं ये थोड़े थोड़े घिस गए हैं। तो इसको सही करने के लिए पहले हमने हवा से साफ़ कर ली है ब्लोअर के द्वारा, फिर इसका थोड़ा थोड़ा सा घिसावट हुआ है। तो 13 नंबर की पाना से हम पहले इसको 4 नट धीरे धीरे पहले खोलेंगे, इसके बाद हम एक 4 mm या 8 mm की एक चूड़ी होती है उससे हम मिलाएंगे। तो मिला करके सारे फिंगर बराबर हो जाएंगे तब हम इसको एक बराबर सबको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम दोबारा ये देखिए मिला रहे हैं हम, ये छोटा वाला फिंगर का है जिससे PTO को पावर मिलता है। तो ये जॉन डियर गाड़ी की बात करें तो इसमें PTO जो लीवर होता है इसमें क्लच दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये गाड़ी इंडिपेंडेंट PTO आता है, डायरेक्ट PTO क्लच गियर लगाते ही डायरेक्ट PTO चलने लगती है। तो अब हमने सारा सेटिंग कर लिया है, अब गाड़ी को हम दो पार्ट से हाउजिंग लगा करके और बैरिंग चेंज करके दोनों हम लगा रहे हैं। तो लगाते समय सबसे पहला ध्यान देना होता है कि गाड़ी को अगर जॉन डियर गाड़ी है तो 1 नंबर में हाई में हम लगा लेंगे और पेचकस की मदद से जो क्लच हाउजिंग है उसको थोड़ी थोड़ी सी घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, जो PTO का बड़ा सा एक्सल होता है जो अभी हमने बैरिंग लगाया हुआ था उस बैरिंग में बैठने के लिए थोड़ा सा इसको जगह चाहिए होता है, क्योंकि इसमें 16 दांते होते हैं जो शाफ्ट है। तो PTO का जो शाफ्ट होता है उसको बैठने के लिए थोड़ा थोड़ा हम क्लच हाउजिंग को घुमाएंगे पेचकस की मदद से। तो ये देखिए अभी हम थोड़ा थोड़ा घुमा लिए हैं और थोड़ा सा धक्का देंगे। धक्का देने के पश्चात ये आसानी से जा करके देखिए इतना तक बैठ गया है। अब हम इसमें जो 22 नंबर की नट है उसका हम दोनों साइड से पहले हल्का हल्का दोनों हाउजिंग में फंसा लेंगे। फंसाने के बाद इसको हम धीरे धीरे से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये हमारा जो क्लच का प्रोसेस था ये पूरा हो चुका है। अब हम इसको चला करके देखेंगे ये कैसे चल रही है गाड़ी। तो समय समय पे क्लच प्लेट की एडजस्टिंग ध्यान रखना पड़ता है जिससे ये बार बार परेशानी नहीं आए। तो ऐसे बात करें तो हम क्लच प्लेट 2500 से 2000 घंटे तक आसानी से जॉन डियर गाड़ी की चल जाती है। तो ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम PTO का पावर चेक करेंगे कि कभी कभी अगर PTO वाला पावर क्लच डिस्क जो होता है वो मोटा लग जाए तो ऑटोमेटिक PTO चलते ही रहता है। तो देखिए अभी अभी फ़िलहाल ठीक हो चुका है हमारा।
तो बिल्कुल सेटिंग एकदम सही हुआ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। एक दो बार उल्टा नचा लेंगे अगर लगातार नाच रही है तो। ये तो अभी हमने पीटीओ गियर लगा लिया है, फिर आपको दिखाते हैं पीटीओ पावर बंद करके कि आसानी से ये बंद हो जा रहा है और आसानी से ये लग जा रहा है। फिर जो क्लच प्लेट लगा हुआ था और प्रेशर प्लेट, तो उसका हम जांच करेंगे। तो एक ब्रेक लगा करके गाड़ी की जो आरपीएम नॉर्मल आरपीएम है 10 या 5, उसमें हम छोड़ देंगे और एक पैडल दबा करके बिना एक्सलेटर का एक बार क्लच छोड़ करके देखेंगे। अगर करता है धीमी धीमी का और क्लच की आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम सही बैठा हुआ है। धन्यवाद बात किसान भाई, इस तरह के टेक्निकल जानकारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।